गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी खूब मस्ती हो रहा है ना घर में बैठ करके। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं। आप लोगों को अब पढ़ना है, ठीक है? अब हिंदी पढ़ेंगे आज हम लोग। और हिंदी में एलकेजी में पहले ही हम लोगों आप लोगों ने पढ़ लिया है वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों ही आपने पढ़ा है। स्वर में क्या आता है, अ से अह तक इन सभी वर्णों को, स्वर के इन सभी वर्णों को आप लोगों को अपने कॉपी में बोल बोल करके सुंदर अक्षरों से लिख लेना, जिससे कि आप अपना यू एल के जी वाला जो पढ़ा हुआ चीज है उसको दोहरा सकेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना है व्यंजन। व्यंजन यानी कि क से लेके श्र तक, इसको अपने कॉपी में शुद्ध उच्चारण के साथ बोल बोल करके लिखना है, और सही, जिससे कि आपका राइटिंग जो होगा वो सही हो जाएगा। और हमेशा जब भी लिखे बच्चों, उच्चारण के साथ लिखे, बोल बोल करके लिखे। फिर हम लोग पढ़ेंगे दो वर्णों से बने शब्द। इसको भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है एलकेजी में, पर फिर हम दोबारा से इसको दोहराएंगे। और आप अपना बुक का पेज 2 निकाल लेंगे, बुक खोलेंगे, बुक में पेज 2 निकालेंगे, और बुक के पेज 2 में आप देखेंगे लिखा है दो वर्णों से बने शब्द। इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, अभी फिर से हम इसको दोहराते हैं। जैसे दो वर्ण है ह और ल, अगर इन दोनों को हम जोड़ करके उच्चारण करेंगे, दोनों को जोड़कर बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ह ल हल। क्या हो जाएगा, ह ल हल। उसके बाद है न ल नल। क्या है, न ल नल। फिर है रथ रथ। क्या शब्द है, रथ रथ। इसी तरह से हम एक एक शब्द करके सभी शब्दों का उच्चारण के साथ, उसको जो शुद्ध उच्चारण के साथ उसको पढ़ेंगे। जैसे डर डर, खट खट, छड़ छड़, अब तब तब, चक चक, धन धन, मठ मठ, मन मन, धड़ धड़, जब जब, भर भर, छक छक, थम थम। इसी तरह से हम आगे पढ़ते जाएंगे, रन रन, टब टब, तड़ तड़, पढ़ पढ़, खत खत, पक पक, जन जन, पट पट, तट तट, मड़ मड़, दल दल, कर कर, नल नल, ठन ठन, मट मट, वर वर, जन जन, रब रब, दम दम, हक हक, थन थन, वट वट, चर चर, फट फट, हल हल, पर पर, वक वक, थल थल, कट कट, भर भर, रथ रथ, बाला बल, पद पद, तक तक, तन तन, झट झट, लट लट, नल नल, चल चल, जल जल, थक थक, मन मन, रट रट, भाठ भट, जड़ जड़, कल कल, यश यश, रख रख, धन धन, रट रट, भाठ भट, जड़ जड़, कल कल, यश यश, रख रख, धन धन, चट चट,
कर लड़ लड़ गल गल घर घर धर धर वन वन नर नर मर मर सड़ सड़ फल फल दम दम दस दस धन धन। इस तरह से हम दो वर्णों वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करेंगे यानी कि पढ़ेंगे। इसको पहले भी आपने एलकेजी में पढ़ रखा है तो ज्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी आपको पढ़ने में। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीन वर्णों से बने शब्द। अभी हमने दो वर्णों से बने शब्द को पढ़ा है, अब तीन वर्णों से बने शब्दों को पढ़ेंगे। इसमें तीन तीन वर्ण दिए गए हैं जिसका उच्चारण एक साथ आपको करना है तीनों वर्णों को मिला करके। बतख बतख, सड़क सड़क, कमल कमल, भजन भजन, सड़क सड़क, धर्म धर्म, सनम सनम, इधर इधर, शरद शरद, महक महक, भड़क भड़क, जनम जनम, कलम कलम, उधर उधर, रजत रजत, चहक चहक, तड़क तड़क, परम परम, नजर नजर, मटर मटर, अकड़ अकड़, धड़क धड़क, मदन मदन, गरम गरम, कमर कमर, गलत गलत, पकड़ पकड़, बहक बहक, रहन रहन, नरम नरम, सरद सरद, बतख बतख, जकड़ जकड़, नमक नमक, वचन वचन, शरम शरम, पहर पहर, कमल कमल, हवन हवन, भनक भनक, दमन दमन, करम करम, वहम वहम, कलश कलश, झपट झपट। इस तरह से हम लोग तीन वर्णों वाले शब्दों को पढ़ते जाएंगे। कनक कनक, सहन सहन, शहर शहर, जहर जहर, महल महल, लपट लपट, पहन पहन, सड़न सड़न सड़न, लहर लहर, कहर कहर, बहल बहल, बजट बजट, नमन नमन, गहन गहन, ठहर ठहर, नहर नहर, पलट पलट, कपट कपट। इस तरह से हम तीन वर्णों वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करेंगे और पढ़ेंगे। बार बार बोल बोल करके पढ़ते जाएंगे जिससे हम शब्दों को अच्छे से याद कर। गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो वर्णों से बने शब्द पढ़ा और उसके बाद तीन वर्णों से बने शब्द पढ़ा। आज हम चार वर्णों से बने शब्द पढ़ेंगे जो पेज नंबर चार है। पेज नंबर फोर निकालिए बेटा, आप लोग सबको पेज नंबर फोर निकालिए और चार वर्णों से बने शब्द को आज हम शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला शब्द है, ये चार वर्णों वाला पहला शब्द है बरगद बरगद। ये चार वर्ण है, इन चारों वर्णों को एक साथ जोड़ करके हमने उच्चारण किया तो क्या हुआ, बरगद बरगद बरगद। फिर दूसरा शब्द है
टम 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 टम, फिर है अजगर अजगर, उसके बाद अकबर अकबर, उबटन उबटन, अफसर अफसर, शरबत शरबत, तरकश तरकश, नफरत नफरत, भगदड़ भगदड़, कटहल कटहल, शलगम शलगम, अकड़न अकड़न, चमचम चमचम, फटफट फटफट, अजगर अजगर, डगमग डगमग, गरजन गरजन, फिर ढम 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 ढम, टम 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 टम, बरतन बरतन, गणपत गणपत, खन 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 खन, झटपट झटपट, हरकत हरकत, पलटन पलटन, धड़कन धड़कन, दशरथ दशरथ, गड़बड़ गड़बड़, हल चल हल चल, अचकन अचकन, गरदन गरदन, पग 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 पग, दल 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 दल, बड़ 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 बड़, नट खट, कसरत कसरत, बरकत बरकत, बरगद बरगद, खटपट खटपट, चटपट चटपट, झन झन झंझन, भगवत भगवत, उपवन उपवन, बलगम बलगम, खन 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 खन, जगमग जगमग, अनबन अनबन, मल 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 मल, छम 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 छम, पन घट पन घट, धन पत अनशन अनशन। बच्चों, ये चार वर्णों वाले शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ हम बार बार दोहरा करके पढ़ेंगे। इसी तरह से हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा है, सारे शब्द, दो वर्णों से बने शब्द, तीन वर्णों से बने शब्द और चार वर्णों से बने शब्द, इन सभी शब्दों को बार बार दोहराएंगे और दोहराते हुए अपने कॉपी में प्रथम दो पंक्तियां जो दी हुई हैं शब्दों वाली, इन दो पंक्तियों को हम अपने कॉपी में लिखेंगे और उच्चारण के साथ लिखेंगे। शुद्ध उच्चारण करते हुए इन दोनों पंक्तियों को लिखेंगे। ये 14 शब्द हैं। इन 14 शब्दों को एक एक करके हम शुद्ध उच्चारण के साथ अपने कॉपी में लिखेंगे, जिससे हमारा वर्तनी जो है वो ठीक होगा और हम शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना सीख पाएंगे। जैसे डर डर, खट खट, झट झड़ झड़, कब कब, तब तब, चक चक, घन घन, मठ मठ, मन मन, धड़ धड़, जब जब, भर भर, छक छक, थम थम। इस तरह से शुद्ध उच्चारण के साथ
हम इन शब्दों को लिखेंगे, बार बार उच्चारण करके इन शब्दों को अपने कॉपी में हम लिखेंगे, और जब जितने बार लिखेंगे, जब भी लिखेंगे, तो बोल बोल करके ही लिखेंगे, उच्चारण के साथ लिखेंगे। फिर है तीन वर्णों वाले शब्द। इन तीन वर्णों वाले शब्दों में भी ये दो पंक्तियां जो हैं शब्दों वाली, इन दो पंक्तियों को अपने कॉपी में हम लिखेंगे। भजन भजन, सड़क सड़क, धर्म धर्म, सनम सनम, इधर इधर, शरद शरद, महक महक, भड़क भड़क, जनम जनम, कलम कलम, उधर उधर, रजत रजत। और सभी शब्दों को, इन दो पंक्तियों में जो शब्द दिए गए हैं इनको तो हम अपने कॉपी में लिखेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ, इसके अलावा भी इन सभी शब्दों को उच्चारण के साथ बोलेंगे, बोल बोल करके शुद्ध उच्चारण के साथ इसको पढ़ेंगे हमेशा बार बार। फिर है चार वर्णों वाले शब्द, चार वर्णों से बने हुए शब्द। इनमें भी, इसमें भी दो पंक्तियां जो दी हुई हैं ये शब्दों की, इन दो पंक्तियों को अपने कॉपी में सुंदर लेखनी के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ, सुंदर लेखनी और शुद्ध उच्चारण के साथ इसको कॉपी में लिखेंगे, और जितने बार लिखेंगे बोल बोल करके लिखेंगे। अकबर अकबर, उबटन उबटन, अफसर अफसर, शरबत शरबत, तरकश तरकश, नफरत नफरत, भगदड़ भगदड़, कटहल कटहल, शलगम शलगम, अकड़न अकड़न। इन शब्दों को अपने कॉपी में शुद्ध उच्चारण के साथ सुंदर लेखनी में इसको लिखेंगे, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे और बोल बोल करके इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ये लिखने के बाद हम अभ्यास शुरू करेंगे। अभ्यास हमारा पेज नंबर 5 में है, अभ्यास है पेज नंबर 5। अब सबसे पहला है चित्र पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। सबसे पहला चित्र क्या है बच्चों? सबसे पहला चित्र बस है। तो कैसे लिखते हैं बस? बस बस। फिर है नल, नल नल। फिर है सड़क, सड़क सड़क। फिर है कलश कलश। फिर है अजगर अजगर। फिर बरगद बरगद। फिर वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनाइए। वर्ण दिए हुए हैं, इनको सही क्रम में जोड़ना है, जोड़ करके लिखना है, और सही जोड़ के लिखना ही नहीं है, सही शब्द बनाते हुए लिखना है। जैसे कि सब सब शब सब शब, सब भी एक शब्द है, पर आपकी बुक में दिया हुआ है, आपकी किताब में दिया हुआ है बस बस, इसलिए आप यहाँ पे बस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बस बस। फिर है रघ रघ, जबकि सही शब्द क्या होगा? घर घर। फिर ब र त न बर्तन। म ह ल महल। फिर न य न नयन। फिर है ध न धन। फिर श ल ग म शलगम। फिर क म ल कमल। बच्चों ये क्रम जो दिया हुआ है शब्दों का, अक्षरों का, वर्णों का, जो ये वर्णों का ये क्रम जो दिया हुआ है, ये आगे पीछे करके दिया हुआ है, इन क्रमों को सही तरीके से सजा करके शब्द बनाना है, और शब्द बना के आपको लिखना है। दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। जैसे दिए गए शब्द हैं, इनसे मिलते जुलते शब्द आपको लिखना है। सबसे पहला शब्द है चहल, इससे मिलता जुलता शब्द हो गया आपका महल। फिर है टहल, टहल का हो जाएगा बहल। जब तब, कब अब, फसल मसल, मगन गगन, अगर मगर, ठहर नहर, शहर लहर, नगर मगर, जल नल, बरगद बरकत।
बच्चों ये सारा अभ्यास आपको अपने बुक में पहले लिखना है, उसके बाद कॉपी में। मैंने लिख दिया है, एक पेज में लिखा हुआ है, मैंने लिख के दे दिया है, और इसको आप पॉज कर करके सारे, जैसे सबसे पहला हमारे अभ्यास में सबसे पहला दिया हुआ है शब्द पूरे करो। जो सबसे पहला प्रश्न मतलब दिया था अभ्यास का, वो था चित्र पहचान के शब्द पूरे करो। ये इसको मैंने दे दिया है अलग से, पूरा लिख दिया है मैंने, इसको आप पॉज कर करके बच्चों लिखोगे। शब्द पूरे करो में वर्णों को सही क्रम में जोड़ करके शब्द बनाए, इस ये भी लिख दिया मैंने कि दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखें। इन सभी काम को आप, जो अभ्यास में दिया हुआ है प्रश्न जितने भी, इन सभी प्रश्नों को आप बार बार अपने, जो मैंने पेपर दिया है उस पेपर में से देख देख करके आपको अपने बुक में ही लिख लेना है। पहले बुक में लिखने के बाद आप उसको अपने कॉपी में बोल बोल करके शुद्ध उच्चारण के साथ लिखेंगे। और मतलब पेरेंट्स लोग से मेरा ये अनुरोध है कि सभी पेरेंट्स कृपया करके अपने बच्चों के साथ बैठ करके थोड़ा सा उनका सहयोग कर दीजिएगा, उनको पॉज कर करके आप अगर लिखवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, और आपको पता भी चल पाएगा कि वो लोग शुद्ध उच्चारण करके लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। शुद्ध उच्चारण के साथ अगर सही उच्चारण नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा उनकी मदद कीजिएगा,